कोयले की हेराफेरी और तस्करी का मामला बीते कुछ दिनों से सुर्खियों में है। हाल ही में कोयले के इन अवैध टालों पर पुलिस की रेड भी पड़ी थी, जिसमें कहा जा रहा था कि युवासेना पदाधिकारियों की मदद से ये रेड हुई है। अब आखिर क्या है ये कोयला तस्करी का मसला और ये संपूर्ण घटनाक्रम कैसे कार्यान्वित किया जाता है, आइए जानते हैं हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट में। WCL नागपुर क्षेत्र अंतर्गत कुल 13 खदान तथा 5 सब एरिया है, जहां अनेकों खदान में खुलेआम कोयला चोरी किया जाता है और प्रशासन मौन व्रत पर है। WCL नागपुर क्षेत्र की 2 से 3 खदान की बात करेंगे, जैसे कामठी OCM और गोंडेगांव प्रोजेक्ट। दरअसल इन दोनों खदानों से विभिन्न विभिन्न जगहों पर भारी मात्रा में कोयला निर्यात होती है। इसमें से एक जगह डुमरी रेलवे साइडिंग की है, जहां कामठी खदान, गोंडेगांव खदान, सिंगोरी खदान, भानेगांव खदान इत्यादि खदानों से ट्रकों द्वारा कोयला डुमरी रेलवे साइडिंग पर जाती है और मालगाड़ी में भरकर यह कोयला मौदा NTPC, खापरखेड़ा, अदानी तिरोड़ा, भुसावल, सोलापुर, पारस, खंडावा इत्यादि जगह पर कोयला भेजा जाता है। नागपुर जबलपुर नेशनल हाईवे और इसी नेशनल हाईवे से होकर कामठी खदान और गोंडेगांव खदान से डुमरी रेलवे साइडिंग के लिए ट्रकों द्वारा कोयला जाता है और जब खदान से ट्रक कोयला भरकर निकलती है तो इसी बीच नेशनल हाईवे के कोयले का अवैध तस्करी किया जाता है। कामठी खदान से डुमरी रेलवे साइडिंग जो कि लगभग 13 से 14 किलोमीटर का फासला है और गोंडेगांव खदान से भी लगभग 13 से 14 किलोमीटर का ही फासला है। इन फासलों के बीच लगभग 12 से 15 जगह पर अवैध कोयला खरीदा व बेचा जाता है। ट्रक ड्राइवर ट्रक को 5 मिनट के लिए नेशनल हाईवे पर जहां जहां अवैध कोयला खरीदार बेखौफ खड़े रहते हैं वहां ट्रक रोकते हैं और इसी अवैध कोयले के टाल पर कोयले बेचते हैं। कोयला टाल चलाने वालों के पास खुद के लड़के होते हैं जो ट्रक के ऊपर चढ़कर कोयला फेंकते हैं। यह सिलसिला प्रतिदिन शाम 7 बजे से सुबह तक शुरू रहता है। यह रात भर कोयला चोरी करने के बाद दिन में रोड काला दिखता है और कुछ कोयला जो बच जाता है वह दिन भर यही पड़ा रहता है। रात भर में सैकड़ों टन कोयला जमा होता है और सुबह होने तक कोयले को उठा लिया जाता है, यानी सप्लाई कर दिया जाता है। जगह जगह नेशनल हाईवे पर कोयले से भरा ट्रक रुकता है और कोयला चोरी किया जाता है। जो लोग कोयला चोरी करते हैं उनके पास हर चीज की एक प्रक्रिया और सुविधा होती है। जैसे जो लड़के ट्रक के ऊपर चढ़कर कोयला ट्रकों से फेंकते हैं उनके पास लाइट वाली हेलमेट होती है, जिससे कोयला तस्कर वालों को कोयला चोरी करने में आसानी होती है। इस सब में खास बात तो यह है कि तस्करी रात भर वह भी नेशनल हाईवे पर सैकड़ों टन कोयले की चोरी और वो भी एक नहीं अनेकों जगह पर होती है और पुलिस खामोश है। यह क्षेत्र कनान थाना अंतर्गत आता है, जहां के थानेदार विलास काले और SDOP बागवान है। तो सवाल यह है कि क्या पुलिस को पेट्रोलिंग के दौरान रात भर में एक भी बार कोयले का अड्डा जो नेशनल हाईवे पर खुलेआम चल रहा है दिखाई नहीं देता, या इन अड्डों को ना देखने के लिए कोई विशेष बंदोबस्त किया गया है? यहाँ मौजूद लोगों का कहना है कि यहाँ पे कार्रवाई तो होती है लेकिन कार्रवाई के कुछ दिनों तक माहौल शांत रहता है और उसके बाद हालात फिर जैसे थे वैसे ही हो जाते हैं। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरीके से कोयले की तस्करी की जाती है। सरकार हमेशा पुलिस पर यह भरोसा करती है कि पुलिस उसके राज्य की सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं होने देगी, लेकिन कन्हान क्षेत्र में कोयले के इस प्रकार से सैकड़ों टन प्रतिदिन कोयले की चोरी जिस प्रकार से हो रही है उससे एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर पुलिस प्रशासन अपने कर्तव्य को लेकर कितनी गंभीर है, या सरकारी खजाना लूटने में सहयोग कर रही है, यह सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। इसी सवाल के साथ मैं दिशा लेती हूँ फिलहाल के लिए विराम, फिर मुलाकात होगी आपसे ऐसी ही किसी पेशकश में। तब तक के लिए देखते रहिए BCN News। नमस्कार।